सरेआम या तो फांसी दो या पेट्रोल डाल करके जिंदा जलाओ, तब उनको एहसास होगा कि बच्ची का दर्द क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MSS न्यूज, मैं हूं आपके साथ बिस्टू राठौर। चलिए देखते हैं सबसे पहले सबकी खबर। अलीगढ़ के टप्पल में ट्विंकल की हत्या को लेकर कस्बा में धारा 144 लागू। देश भर में उबाल है कई दिनों से चर्चा में। 9 जून को होली महापंचायत को लेकर पब्लिक में भारी रोष देखने को मिला। वहीं सुरक्षा को लेकर SSP आकाश कुल्हरी ने टप्पल को छावनी में तब्दील कर दिया और पब्लिक को टप्पल के बाहर ही रोक दिया। लेकिन गुस्साई भीड़ कुछ इधर उधर से अंदर प्रवेश कर गए, जिन्होंने सड़क पर बैठकर नारेबाजी की, फांसी दो की गुहार लगाई। उधर हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची को टप्पल से 8 किलोमीटर दूर जेवर टोल पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया और वहीं से उन्हें वापस भेज दिया। लेकिन साध्वी ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि ऐसे दोषियों को सड़क पर खड़ा करके पेट्रोल से जला देना चाहिए। ऐसी हत्याएं मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र में ही हो रही हैं। करीब 10 दिन में 27 घटनाएं हुई हैं। वहीं टप्पल के अंदर कुछ हिंदूवादी नेता दिल्ली हरियाणा से भी आए, लेकिन किसी को पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत नहीं दी गई, तो लोग काफी गुस्से में सड़क पर ही बैठ गए और पुलिस प्रशासन से नोकझोंक भी हो गई और प्रदर्शनकारी सड़क पर ही डटे रहे। और इस बीच लापरवाही और खामियों को छुपाते हुए मीडिया को कवरेज पर भी प्रतिबंध लगा दिया। मीडिया की लाख कोशिश के बाद भी पीड़ित परिवार से नहीं मिलने दिया गया। लेकिन भड़के कुछ प्रदर्शनकारियों ने भूसा से भरी बुर्जी में आग लगा दी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। अब सरेआम या तो फांसी दो या पेट्रोल डाल करके जिंदा जलाओ, तब उनको एहसास होगा कि बच्ची का दर्द क्या है। तभी घटनाएं रुक सकती है। मोमबत्तियों से घटनाएं नहीं रुक रही है। निर्भया कांड के जमाने से मोमबत्ती जला करके हम सड़क पर खड़े हैं जी, प्रार्थना कर रहे हैं जी, कभी शिव चौक पर, कभी महावीर चौक पर, कभी इंडिया गेट पर खड़े हैं जी। कोई उससे घटनाएं नहीं रुक रही है। रुकेंगी उसी दिन जिस दिन इन अपराधियों को पकड़ करके जिंदा जला दिया जाएगा, उस दिन घटनाएं रुक जाएगी। आपके सामने बैठे हैं SSP महोदय, पाटीदार जी बैठे हैं, शर्मा जी बैठे हैं, ये सारे गिरफ्तार ही कर रहे हैं। मेरे को कब से बिठा रखा, जाने नहीं दे रहे। पीड़ित परिवार से केवल मैं किसी पंचायत में नहीं जा रही। मेरा उद्देश्य केवल और केवल परिवार के प्रति संपेक्ष। प्रशासन बैठा है, वो कह रहे साध्वी जी आपके जाने से वहाँ दंगा हो जाएगा। ऐसा क्यों पता नहीं क्यों, मैं तो केवल परिवार से मिलने के लिए जा रही हूँ और मैं कोई वहाँ चुनाव लड़ने के उद्देश्य से नहीं जा रही। मैं कोई राजनीति करने नहीं जा रही हूँ। वो पीड़ित परिवार और पीड़ित परिवार से मिलना क्या गुनाह है। देखिए, आज 9 जून को लेकर के सोशल मीडिया पे काफ़ी बाहर से लोग जो है उन्होंने आह्वान किया था कि जो है आज टप्पल चल करके जो है अपनी बात को रखेंगे और जो बच्ची जिसकी नर्सिंग हत्या हुई है उसके लिए जो है यहाँ पे जस्टिस की डिमांड करेंगे कि फांसी पे लटकाया जाए हत्यारों को। और उसी के लिए काफ़ी 50 60 70 80 की संख्या में आसपास के क्षेत्र से जो है काफ़ी लोग आए थे और उन्होंने अपनी बात को बोला। प्रशासन पुलिस ने भी पूरे अपने इंतजाम किए थे किसी भी चीज़ की लॉ एंड ऑर्डर को दृष्टि में रखने के लिए। और अभी हाल फिलहाल कोई नहीं है। जितनी भी टोलियां हैं, जितने भी लोग आए थे, उन सबसे पुलिस ने काफ़ी बात करी, उनको समझाया और उनको पूरा आश्वासन दिया कि जो है इसमें जस्टिस दिलवाया जाएगा, न्याय दिलवाया जाएगा बच्ची को और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। तो एरिया को सर कवर कर दिया जाए।